السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میری اسلامی بہنیں اور بچیاں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج لوساکا زیمبیا کے سفر میں خواتین اور بچیوں کے مدرسے سے اور خواتین سے اور بچیوں سے گویا خطاب ہے. جامعہ زینب، جیسا کہ میرے علم میں یہ نام لایا گیا، اور میں اس سلسلے میں اس مدرسۃ البنات کے ذمہ دار مہتمم اور جو بھی ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ رجال کار جو بھی ہیں، ان کی خواتین، مولانا اپنے احمد نہیں محمد مٹالا، کیا نام ہے آپ؟ احمد بھائی مٹالا. بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سعادت میں شریک کیا.
ये सआदत ऐसी है कि अगर पूछ लिया जाए कि इसमें शिरकत करनी है या नहीं, तो ये हो या कुछ भी हो, तबीयत इससे इसलिए घबराती है कि हमें अपना अंदाज़ा है, इल्मी हमारी जो इल्मी नक्स और कमाईगी है उसकी वजह से खौफ आता है, डर लगता है कि ये सआदत जो है ये कबूल न की जाए। इसलिए कि बहरहाल इल्म का मैदान है, अल्लाह और रसूल की बातें करनी हैं, और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इस सआदत में अल्लाह ताला शरीक फरमा दें और हम शरीक हो जाएं, तो बस फिर ये है कि अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है कि अल्लाह ताला इस सआदत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चियों से खिताब, और बच्चियां क्या बल्कि ख्वातीन से खिताब, और वो भी मदरसे की ख्वातीन और बच्चियां तालिबात, जिनमें जिनकी गोया उस्तानिया भी और जिनकी बच्चियां सब की सब ख्वातीन में शामिल, उनके इल्म से मुतालिक कोई बयान अगर हो तो बहरहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो अपने बुजुर्गों से जो कुछ सीखा था उसी को पेश कर दिया करता हूँ, और अभी तो और भी बहुत से मराहिल हैं। लुसाका में अभी क़याम है, फिर चिपाटा जाना है, वहाँ भी यही माहौल है, मस्जिद में खिताब, मदरसे में खिताब, बहरहाल कहाँ कहाँ खिताब होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सआदतों का हक अदा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी और सब समझती भी हैं कि ये आयत कुरान करीम की है, तीसरे सिपारे की, और इसमें फरमाया कि जब मलाइका ने ये बात कही हुई हजरत मरियम से, जो वालदा हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और बड़ी खातून, नेक खातून हैं, जलीलुल कद्र और अजीमुल मर्तबत खातून, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया, मुंतखब कर लिया, और निसाइल आलमीन सारी सारे आलमों की औरतों पर आपको फौकियत और गोया आपको एक रफ़त अता फरमाई है। हजरत मरियम एक अल्लाह की बंदी हैं, खातून हैं, और बहरहाल अहल सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक हमारी सबकी मोहतरम है। कुरान करीम ने यूं तो और भी खवातीन का जिक्र कुरान में भी मिलता है और हदीसों में भी आता है, जिसमें बुनियादी चीज ये है कि अगरचे मर्द औरत दोनों का खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने मर्दों से भी कुछ काम लिए हैं, औरतों से भी काम लिए हैं, और जाहिर है कि अल्लाह की जात अबस और बेकार काम नहीं करती। जो फैसला अल्लाह की तरफ से होता है, जो चीज अल्लाह ताला बना देते हैं, वो बेकार नहीं होती। मक्खी, जिसको आप अपनी जबान में जो भी कुछ कहते हो, मक्खी जो होती है आपने देखा है, जुबाब अरबी में उसको जुबाब कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस मक्खी का क्या मकसद था पैदा करने का।
उलमा ने लिखा है, ये मेरी तहकीक नहीं है और मुझे मालूम नहीं कि हदीस में भी है या नहीं है, हो तो होगा यकीनन, और बिला तहकीक हदीस का हवाला देना ये जायज नहीं है। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना, उलमा से, कि मक्खी को भी अल्लाह ने जो पैदा किया है मुतकब्बिरीन के तकब्बुर को तोड़ने के लिए पैदा किया है, कि एक मक्खी जो अभी गिलाजत पे और गंदगी पर बैठी थी, अब वो उस मुतकब्बिर और फिरौन के सर पे या माथे पे बैठी है, कहीं कपड़ों पे बैठी है। तो इसका मतलब ये है कि उसे ये कहा जा सकता है कि तू किस बात पे तकब्बुर और फिरौनियत दिखाता है, तेरी तो हकीकत ये है एक गंदगी पर बैठने वाली मक्खी जो है वो तेरे सर पे बैठ गई, तो तेरी हैसियत क्या है। गर्ज़े के मुतकब्बिरीन का गुरूर तोड़ने के लिए, मगरूरों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। अब मक्खी के और कितने फायदे हैं और क्या क्या उसके मकासिद हैं ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात एक समझ में आ गई। मैंने अपने उस्ताद हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम को रंगी कराची में, जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है और बड़ा बैनुल अक्वामी शोहरत का हामिल है, नेक नामी का हामिल है, मैंने वहाँ से दौरे हदीस किया 1984 में, 1984 में। तो खैर वहाँ पर हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो भी हमारे उस्ताद थे, और वो हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी थे, हजरत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब, वो दोनों भी हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब के शागिर्द हैं और मैं भी उन्हीं का। तो गोया के हजरत मौलाना तकी साहब और मौलाना रफ़ी साहब जो हैं शागिर्द के एतबार से मैं भी उनका गोया हम सबक समझ लीजिए, क्योंकि उस्ताद हमारे एक हैं। हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमने मेबजी और कुछ ऐसी किताबें पढ़ी और मिश्कात के वो बड़े माहिर थे, जलालाबाद के थे। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनको खिलाफत भी मिली हुई थी। तो मैंने हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ ऐसी ही बातें बयान फरमा रहे थे कि मक्खी को इसलिए पैदा किया और इसको इस, तो मैंने पूछ लिया कि हजरत मच्छर को किस लिए पैदा किया है, मच्छर मॉस्किटो। तो उन्होंने किसी का हवाला नहीं दिया, ना कुरान का ना हदीस का, फरमाने लगे ऐसा मालूम होता है कि मच्छर को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि ये फजर में उठाने का काम देता है, फजर की नमाज में, इसलिए कि अगर मुसलमान अपना कोई इंतजाम किए बगैर अगर कहीं लेट जाए सो जाए तो मच्छर इस तरीके पे उसे परेशान भी करते हैं, काटते भी हैं, नींद भी खराब होती है और हत्ता के फजर की अजानें होने लगती हैं। तो अगर वो वाकईतन तरबियत याफ्ता मुसलमान होगा बुजुर्गों की सोबत का, तो वो उठ के कहेगा कि मियाँ नींद तो मच्छरों ने खराब कर ही दी, अब नमाज तो पढ़ लो। तो फरमाया मच्छर जो है इसकी भी जो गरज है वो समझ में आती है कि ये फजर में उठाने का काम करता है, हालांकि बड़ी तकलीफ दे मखलूक है। खैर मेरा मतलब ये है कि वो जात के जिसने मच्छर को बनाया, मक्खी को बनाया, जानवरों कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो कहीं गैर जरूरी हो। हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हम तो ऊपर ही ऊपर जो नेमतें देख रहे हैं अभी, उनको भी हम सही तौर पे नहीं समझ सके, लेकिन जो अल्लाह ने अंदर हमारे नेमतें रखी हैं, आज की मेडिकल बताती है, जो
ایڈوانس میڈیکل ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جس طریقے پہ ایک ایک رگ جو ہے اللہ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی ہے. اتنا اچھا بھلا انسان, بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بھئی نکاح ہوا تھا, پھر سال بھر کے بعد ولادت ہو گئی بچے کی, اور وہ بچہ بڑا ہو گیا 2 سال 4 سال 25 سال. بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جی یہ انسان ہے, اس طرح سے دنیا میں آیا. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں, اور کس بے دریغ طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسانوں کو, کس طریقے پہ گویا ان کو بیچاروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جہاں بھی کراچی میں بھی ہم ایک زمانے میں بڑے برے حالات, مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان کے اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے. مومن اور غیر مومن اور مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے. اللہ نے انسانی جان کی حفاظت بہرحال ہمارے اوپر لازم کی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے اندر سسٹم اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ آج ڈاکٹری اور یہ میڈیکل جو ہے یہ حیران ہے کہ اللہ نے اندر کیسا ایک اچھا نظام بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی مخلوق پیدا کی, جس کو جس طریقے پر پیدا کیا, اس کا کوئی نہ کوئی بہرحال عظیم الشان کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا. تو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, اور پھر انسان میں بھی مرد عورت دونوں, حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو تخلیق فرمایا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو نکالا جو ہماری سب کی ماں ہے. تو اللہ نے یہ ایک سلسلہ قائم کیا کہ آدم اور حوا کے ذریعے سے پھر انسانی تخلیق کا ایک سلسلہ چلا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا. دنیا میں لوگ آ بھی رہے ہیں اور جانے والے جا بھی رہے ہیں, بلکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ, میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے, ہمارے والد سے بھی ان کا اچھا تعلق تھا, لیکن ان سے کبھی میری کوئی مجلس میں ان کی اٹینڈ نہیں کر سکا. میرے بڑے بھائی مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کا نکاح مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا تھا. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث علامہ, میں نے ان کے حوالے سے سنا ہے, فرمایا کہ اگر انسانی گویا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے کہ انسانوں کی تعداد کتنی ہے, تو فرمایا کہ زیر زمین جو جا چکے ہیں وہ زمین کے اوپر بسنے والوں سے بھی کئی گنا زیادہ تعداد میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انہیں واپس بھی بلایا. اگر بھیجتے ہی رہتے بلایا نہ جاتا, دنیا کا ہر انسان غریب ہو یا بادشاہ ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اور صاحب کہیں عالم ہو یا جاہل ہو, کوئی بھی ہو, دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میرے رشتہ دار اعزاء دوست احباب ہیں بس وہ زندہ رہیں, ماں باپ کا انتقال نہ ہو, بھائی بہنوں کا نہ ہو, اولاد کا نہ ہو, اور صاحب بیوی کا نہ ہو, بیوی چاہے شوہر کا نہ ہو. تو چاہتے تو ہم سب یہی ہیں, لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ جس کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے, بندوں کی خواہش کے پابند اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تھا, جب اس کا مقرر کر دیا تھا کہ اس کو کتنے عرصے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کسی نے بڑی اچھی بات کہی, فرمایا کہ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے,
एक दिन का बच्चा भी मर जाता है और जिंदा रह जाए तो 100-100 साल तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला हमें आपको हयात और जिंदगी अता फरमाए तो ईमान ने कामिल के साथ अता फरमाए। उम्र एक दिन हो के 100 साल गुजर जाती है, दोष पर कमली हो या अशाल गुजर जाती है। और फरमाया कि गर अमीरों की इकबाल गुजर जाती है, अमीर लोग अपने अय्याश और बेहतरीन गोया राहत और आराम में, महलों में, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों में और ठंडे ठंडे कमरों में वहां रहते हुए भी उन्हें वहां भी मौत आ जाती है। बड़े तमतराक और बड़ी शान और शौकत से रह रहे थे लेकिन मौत का फरिश्ता पहुंचा तो वहां से निकाल लाया। फरमाया कि अगर अमीरों की इकबाल गुजर जाती है, गर अमीरों की बइकबाल गुजर जाती है, बेकसों की भी बहरहाल गुजर जाती है। गरीब भी बहरहाल जैसा कैसा भी हो, फुटपाथ पे भी सोता हो, मौत नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो फुटपाथ से भी अल्लाह ताला उसे बुला लेंगे और बड़े बड़े महलों से भी बुला लेंगे। ये अल्लाह का एक निजाम है। तो अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा के जरिए से ये इंसानी तख्लीक का जो सिलसिला कायम किया आज तक कायम है, आने का भी सिलसिला और जाने का भी सिलसिला, और दोनों की अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी एक हिकमत बालिगा है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता था और उसमें वक्त लग गया कि मर्द औरत को अल्लाह ने पैदा किया तो मर्द के भी पैदा करने का मकसद है, औरत को भी पैदा करने का मकसद है। तो औरत को पैदा करने का जो मकसद है वो ये है कि वो जो उसके जिम्मे अल्लाह ने काम लगाया है, जिम्मेदारियां उसे दी हैं, वो यही है कि जाहिर है वो कल को खातून खाना बने और किसी की बीवी बनेगी तो अब उसे अपने शौहर की भी जिम्मेदारी को निभाना है और आगे फिर औलाद का भी सिलसिला शुरू होता है। याद रखिए, एक औरत और एक खातून, जाहिर है कि इस्लाम ने औरतों को भी बहुत ऊंचा मकाम दिया है और सबसे ऊंचा मकाम तो यह है कि अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मकसूद कायनात और मोहसिन इंसानियत थे, अल्लाह के महबूब भी थे, उनको भी एक खातून के जरिए से वजूद अता फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना आपकी वालदा माजदा, उनके जरिए से आप दुनिया में आए। वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हजरत आमिना, बीबी आमना भी जिन्हें कहा जाता है। तो ये शरफ कुछ कम है? अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम औरत को दिया। फिर एक मकाम ये भी है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई गारे हिरा में, फरमाया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बस यहां तक। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पहला मौका था जिब्रील अमीन को देखा, और ये गोया आयतें आप पर नाजिल हुई हैं, आप पर घबराहट भी है, आप पसीने से शराबोर भी हो रहे हैं, घर पहुंचे हैं और इसी घबराहट में आपने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी जौजाए मोहतरमा हैं, आपने उनको ये सूरत हाल बताई और आपने फरमाया कि जम्मिलोनी जम्मिलोनी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कंबल उड़ाओ। मतलब यह कि गोया मुझे बहुत सर्दी महसूस हो रही है।
تو حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے تو حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتی ہوں اور گویا ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب کو قبول کرتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح زمین پر اس دین اسلام کو اور اللہ کے دین کو گلے لگانے والا اگر کوئی اللہ نے کوئی فرد رکھا تو وہ بھی عورتوں ہی میں سے انتخاب فرمایا، اس لیے کہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دین اسلام کو، اس لیے کہ قبول کرنے کے معنی یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کوئی مشرک تھیں، لیکن ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانے کی چیز سامنے آئی نہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کھائی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ جب سامنے آئی تو کھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام تو ابھی آیا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں بس یہی دین کا آغاز ہے، اس کو سب سے پہلے اگر گلے سے لگایا ہے تو وہ ایک خاتون اور اللہ کی ایک بندی ہیں حضرت خدیجت الکبریٰ۔ یہ میں اس لیے فضائل سنا رہا ہوں عورتوں کے، ہماری عورتوں کو بہکایا جاتا ہے، یہ مشنریز جتنے بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے راشن دینے شروع کر دیتے ہیں، عام طور پہ یہ ایک سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو تو چھوڑو، یہ تو ویسے ہی آ جائیں گے ہمارے پیچھے، ان کی عورتوں کو اسلام سے نکالو، شریعت سے نکال دو، دین سے دور کر دو۔ اگر یہ برقع اوڑھتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں تو ان کا حجاب اور برقع بھی اتروا دو۔ یہاں تو خیر الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ علماء کا ہر وقت یہاں پر سلسلہ رہتا ہے اور ہمارے صورتی اور گجراتی بھائی جو ہیں تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ان کو دیندار بنایا، ان کی خواتین کو بھی دیندار بنایا، ان پر شاید یہ حملہ نہ ہو سکے، لیکن عام طور پہ عورتیں بیچاری جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے وہ آٹا ہوتا ہے، جس طرح چاہو اسے ادھر کر دو یا ادھر لے جاؤ۔ عورتوں سے یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو میں سنا رہا ہوں، میرے والد نے یہ بات فرمائی تھی، آج سے 40 سال اور 50 سال پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے، عورتوں کے پاس عورت آتی ہے برقعے والی عورت کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ یہ برقع تم کیوں اوڑھتی ہو؟ اس نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، میرے شوہر کبھی حکم ہے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہیں بلا وجہ بہکایا گیا ہے، نہ کوئی اللہ رسول کا حکم ہے نہ کچھ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے شوہر کو اور تمہارے گھر والے سسرال والے ان لوگوں کو تمہارے اوپر شبہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے برقع نہ اڑایا تو یہ کسی غلط راستے پہ نہ نکل جائے، تو تم پہ تو شبہ کیا جاتا ہے اور تمہاری حیثیت جو ہے مشکوک ہے۔ اب وہ بیچاری سن رہی ہے، اب اگر کہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ایسی ہوں، ہمارے تربیت اٹھائی ہوئی ہوں بزرگوں کی، علماء کی، اور تب تو وہ ایسا جواب دیں گی کہ یاد رکھے گی وہ عورت، لیکن عام طور پہ ایسی بھی ہیں، سیدھی عورتیں بھی ہیں، بس وہ سیدھی ہیں اور یہی ان کی صفت اچھی ہے، پڑھنا لکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن جن عورتوں نے نہ پڑھا لکھا ہو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈسکوالیفائی ہے، عورتوں نے جنہوں نے پڑھا نہیں، نہ انگلش پڑھی، نہ عربی پڑھی، نہ اور کچھ پڑھا، نہ علم دین، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیں تو سبحان اللہ۔ تو اس عورت کو کہ جو سیدھی سادھی عورت ہے اسے بہکائیں گے اور یہ کہہ کے بہکائیں گے کہ تمہیں اللہ رسول کا تو نام دے دیا کہ یہ برقعے میں بیٹھو اور پردے میں بیٹھو،
तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ऊपर शुबा है, नजरें लगी हुई हैं कि इसके पीछे पीछे जाओ, ये क्या करती है। ला हौल वला कुव्वत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ईमानदारी से बताइए, क्या हम कोई मर्द क्या शक करते हैं अपनी बीवियों पर? बल्कि वो और भी उससे बढ़ के एक बात ऐसी समझाते हैं कि जिससे अंदेशा है कि औरत जल्दी गोया पटरी से उतर जाएगी। कहते हैं कि ये खुद तो दूसरी औरतों को देखते फिरते हैं और तुम्हारे ऊपर शुबा करते हैं, और ये राज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बहरहाल हर बीवी तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह और उनको छोड़कर आम तौर पे उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि भाई हमारा शौहर पता नहीं कहीं और भी देख रहा है। लेकिन इस तरह से औरत को वरगलाया जाता है कि इसको बुरके से और पर्दे से निकाला जाए। अगर ये कह के निकाला जाए कि छोड़ो इस्लाम की बात छोड़ो, अल्लाह रसूल की बात छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान औरत पढ़ी लिखी हो या बेपढ़ी लिखी हो अपने अल्लाह और रसूल से इतनी मोहब्बत करती है कि वो कभी भी उसकी बात को नहीं मानेगी। लेकिन वो तो अल्लाह रसूल की बात ही नहीं करते, वो तो सीधा कहते हैं कि मर्दों को शुबा है तुम पे, तभी तो बुरके में बिठा रखा है, तभी तो तुम्हें घर में कैद कर रखा है। वो बेचारी ये समझती हैं, न समझे बाजी उतर जाती हैं पटरी से। तो इस तरह से गोया एक साजिश की जा रही है कि मुसलमानों की औरतों को बाहर निकालो, इनको बाहर लाओ, और इनके जरिए से जाहिर है कि बच्चे इनकी गोदों में पलते हैं। जब हम औरतों को बेदीन और गोया दीन के खिलाफ बनाएंगे तो इनके बच्चे भी दीन से बेजार होंगे, ये कोशिश हो रही है। बहरहाल मैं लंबे चौड़े बात और बयान के लिए नहीं बैठा, अर्ज करने का मंशा सिर्फ ये है कि हमारी ख्वातीन जो हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उनको बड़े बड़े मर्तबे और मकाम और बहुत अहम उनको गोया अल्लाह ने मकामात अता फरमाए हैं। ये भी कहना कि साहब मर्द को जो है फजीलत दे दी औरत के ऊपर, तो भाई फजीलत ही दी है, हुकूमत तो नहीं दी। वो कहते हैं कि साहब वो कुरान करीम में है कि फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्दों को औरतों के ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है, उनका मुहाफिज बनाया है। तो उसको यूं तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि देखा अल्लाह मियां ने भी तुम्हें मर्दों का गुलाम और मर्दों की बांदियां बना दिया। मर्द भाई मर्द की क्या हैसियत है, तुम और मर्द औरत सब बराबर है। लेकिन अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, उनका कहना यह है कि यह है वो जुल्म के जो हो रहा है कि मर्द औरतों को दबा रहे हैं। कहते हैं कि हमें तो अल्लमिया ने यह हुकूमत दी है। याद रखिए आप तो ख्वातीन हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और मदरसा भी ख्वातीन का बच्चियों का है, मुझसे ज्यादा आप जानती होंगी बातें, लेकिन मैंने भी बुजुर्गों की बातें पेश की हैं। हमेशा याद रखिए मैं ये जवाब दिया करता हूँ, अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा में औरत का मर्तबा घटाया नहीं है। आप मुझे बताइए कि आज पूरी दुनिया में और बिलखसूस बाज़े मुल्क ऐसे हैं कि पाकिस्तान भी जिसमें शामिल है, आज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि गार्ड रखे जाते हैं और बड़े बड़े वेपन्स उनके हाथों में हैं और गाड़ियां पीछे चलती हैं हिफाजत के लिए, चौकीदार वॉचमैन बिठाए जाते हैं। यहां जेम्बिया में भी आप बताइए कि ये वॉचमैन हैं, जिम्मेदार हैं, ये मुहाफिज हैं, क्या ये डिवैल्यू हैं? क्या हम इनके आगे कोई भंगियों की हैसियत रखते हैं? क्या हमने इन्हें अपने सर पर बिठा लिया? बल्कि वॉचमैन अपनी जगह बैठेगा, मुहाफिज हो, चौकीदार हो, गार्ड हो, वेपन्स वाला हो, जो भी हो, ये सब के सब अपने मकाम पर बैठेंगे, इसलिए कि ये हमारे मुहाफिज हैं।
तो आप बताइए कि मुहाफिज जो है ये हिफाजत करना इसका काम है, हुकूमत करना तो इसका काम नहीं है। किसी गार्ड को देखा कि आपके घर में घुस के बैठ गया हो कि मैं गार्ड हूं लिहाजा मैं यहां सोऊंगा, आप निकले यहां से मियां बीवी दोनों। इसलिए कि गार्ड और मुहाफिज, बहरहाल मुहाफिज, तो अल्लाह ने हाकिम नहीं बनाया मर्द को, बल्कि अल्लाह ने मर्द को मुहाफिज बनाया है औरतों का। तो औरतों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई तो मुहाफिज है हमारा। और हकीकत यह है कि औरतों से अगर पूछा जाए, वो औरतें कि जिन्हें बाहर की हवा न लगी हो, वरना तमाम वो खवातीन के जिनको अल्लाह ने दीन, बल्कि मैं तो कहता हूं हिंदू औरत जो हिंदू भी है, वो भी मशरिकी औरत होने के नाते से समझती है कि मेरा शौहर मेरा मुहाफिज है, और जब तक शौहर है वो उसे इत्मीनान रहता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, मुझे किसी किस्म की ज्यादती मेरे साथ नहीं होगी। ये औरत का मुहाफिज बनाया है मर्द। लेकिन ये जितने भी मिशनरीज वाले और एनजीओज जो गैर मुस्लिमों की तरफ से आते, वो ऐसी ही बातें करके औरतों को, हमारी बच्चियों को वरगलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये इस्लाम ने तुम्हें डिग्रेड कर दिया कि मर्दों को ऊपर बिठा दिया और तुम्हें उनके पैरों में बिठा दिया। ये इस उनवान से औरतों को वरगलाते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त सिर्फ ये बताऊंगा कि कुरान करीम ने हजरत मरियम का नाम लेके बताया कि ये निसाउल आलमीन, दुनिया की औरतों के ऊपर अल्लाह ने इनको मुंतखब कर लिया, पसंद कर लिया, और इनको गोया अल्लाह ने एक ऊंचा मकाम दिया है। अब आप सोचिए हजरत मरियम का ये मकाम जो है, जब उन्हें मिला है तो एक तो ये पता चल गया कि अल्लाह ने एक खातून को इतना ऊंचा मर्तबा और मकाम दिया। दूसरे ये कि जब मर्तबा और मकाम मिला तो आगे हजरत मरियम से क्या फरमाया अल्लाह ता, फरमाया कि या मरियम उकनुती लि रब्बिकि वसजुदी वरकई मअ अर्राकईन। ऐ मरियम, इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा तुम्हें दिया है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, आजजी और इंकिसारी इख्तियार करो। और यही असल में उलमा ने लिखा है, और लिखा है या नहीं मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे वालिद ये फरमाते थे, फरमाया कि औरत की क्वालिफिकेशन क्या है, ये नहीं है कि वो बीए एमए और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले और डॉक्टर बन जाए और हाँ वकील बन जाए, फलानी बन जाए, फरमाया सब कुछ बन जाए, लेकिन असल क्वालिफिकेशन औरत की ये है कि वो अल्लाह के हुजूर गोया झुक जाए, नमाज की पाबंद हो, शरीयत की पाबंद हो। हजरत मरियम को ये मकाम देकर अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि अब तुम्हें चाहिए कि तुम इसका शुक्र अदा करो, और वो ये है कि अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, रुकू और सजदा, नमाज, इबादत, और गोया अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो मेरी माओ, मेरी बहनें, अब तो माओ के बराबर अब होंगी भी नहीं खवातीन, मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी बहनें और मेरी बच्चियां जो यहां मौजूद हैं, बस ये पैगाम मेरा है बुजुर्गों की तरफ से मैं छोड़ रहा हूं कि आज आप इल्म हासिल करें और खूब आप तरक्की करें, लेकिन अपनी उस बुनियाद को न भूलें कि जो अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया था। एक दो शेर पढ़ के मैं अपनी बात समझा दूंगा, फिर मैं दुआ करता हूं। औरत का मकाम अकबर इलाहाबादी ने फरमाया, फरमाया कि दो उसे शौहर औलाद की खातिर तालीम। देखिए ये बताया, ये अकबर कह रहे हैं, और अकबर भी कोई ये नहीं है भाई, अगर हम जैसे लोग और हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे कासिम मामू बैठे हैं और दीगर ये हजरात भी अगर कोई बात करते हैं तो ये दीन की ही करते हैं। तो अकबर इलाहाबादी जो थे वो कोई नऊज़ु बिल्लाह बिगड़े हुए थे भाई? कुरान हदीस तो वो नहीं पेश, लेकिन कुरान और हदीस से बाहर नहीं है जो वो बात फरमा रहे हैं। फरमाया कि दो उसे शौहर औलाद की खातिर तालीम,
दो उसे शौहर औलाद की खातिर तालीम, कौम के वास्ते तालीम न दो औरत को, कौम का गुलाम न बनाओ इनको, बेशक सब कुछ पढ़ा दो लेकिन ये बता देना कि तुम्हें अपने शौहर और औलाद के ही दरमियान में रहना है, ये है तुम्हारा असल काम। ये इनका गोया मनसब जो अल्लाह ने इन्हें दिया है वो ये है। और दूसरी जगह एक शेर में और पढ़ दूं आपके सामने, किसी ने कहा था राज चांदपुरी कोई गुजरे हैं शाइर, उन्होंने कहा फरमाया के मशरिकी यो मगरबी तालीम हासिल कर मगर। भाई आप दरस निजामी पढ़े, मशरिकी तालीम, उर्दू पढ़ें और जो भी कुछ चाहे करें, और अगर मगरबी तालीम भी हासिल करनी है तो ठीक है कर लें। यानी ये उनका कहना है कि आप पढ़ाई करें, डॉक्टर भी बने और भी जो कुछ कर सकती हैं आप बने, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। कहीं इस्लाम ने औरत की तालीम के खिलाफ कोई बात नहीं कही, और हमारे बुजुर्गों पे भी इल्जाम लगते रहे कि जी औरतों की तालीम के खिलाफ, नहीं तालीम के खिलाफ नहीं है, तालीम आप इन्हें दें लेकिन वो चीज जो है, जो मकसद है वो इनका सामने रखें। फरमाया कि मशरिकी हो मगरबी तालीम हासिल कर मगर, मशरिकी हो मगरबी तालीम हासिल कर मगर, बन के अल्लामा वबाले जहलो नादानी न बन। भाई पढ़ तो लिख लिया है लेकिन सवाल ये कि अब बिलावजह आके मर्दों के मद्दे मुकाबिल बैठ जाए और कहे जी तुम पढ़े हुए हो तो हम भी पढ़ी हुई है, तो ये कोई मुकाबले के लिए अल्लाह ने थोड़ी रखा था कि भाई औरत जो है वो मुकाबले पे आ जाए, और कल को शौहर से कहे भाई तुमने मिश्कात पढ़ी है तो मैंने भी बुखारी पढ़ी है, तो ये औरत को इसलिए पढ़ाया था हमने कि कल को वो अपनी फौज लेके आ जाए शौहर के सामने। याद रखिए औरत का अपना मकाम मुतय्यन है, और औरत की क्वालिफिकेशन वो है जो हजरत मरियम को अल्लाह ने बताई है, फरमाया कि बन के अल्लामा वबाले जेलो नादानी न बन। मशरिकी ओ मगरबी तालीम हासिल कर मगर, बन के अल्लामा वबाले जेलो नादानी न बन। और अगला शेर सुनिए, फरमाया कि अपने घर के आईने खाने में देख अपना जमाल, अपने घर के आईने खाने में देख अपना जमाल, महफिले अग्यार में तू सर्वे बुस्तानी न बन। फरमाया कि ए खातून, ए मुसलमान बच्ची, ए मुसलमान औरत, तुम जितना चाहो पढ़ो तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है, लेकिन देखो अपना जो भी कुछ बनाओ सिंगार है वो अपने शौहर के आईने में देखना, ऐसा न करना कि कौम के सामने बन संवर के बैठ जाओ, और इसलिए बैठ जाओ कि जी हमने भी पढ़ा है, तो पढ़ा इसलिए पढ़ा था कि कौम के सामने जाके अपने नजारे कराने। फरमाया अपना हुस्न और अपना जमाल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, सिंगार, सिंगार की तो इजाजत औरत ही को तो है, कुरान करीम में है अवमय नशा फिल हिलियती 25वें सिपारे में, तो औरत मर्द को तो कहीं भी नहीं कहा कि जी तुम भी बनाओ सिंगार करके आया करो, ताकि बीवी के सामने, बीवी से कहा है कि अपने शौहर के सामने बनसंवर के आओ। फरमाया अपना तालीम भी हासिल करो, शौहर को जो अपने काबू में रखना है ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, बन संवर के आओ साफ सुथरी हो ताकि शौहर का इल्तिफात तुम्हारी तरफ रहे। फरमाया कि अपने घर के आईने खाने में देख अपना जमाल,
और महफिल अगयार में तू सर्व बुस्तानी न बन, गैरों की महफिलों में बन संवर के न जाना। ये अपना जितना भी सिंगार और पिटार है ये गैरों को न दिखाओ। मर्द अल्लाह ने तुम्हें दिया है शौहर, इसको दिखाओ। ये है असल में तुम्हारी जिम्मेदारियां। बाकी तालीम से अल्लाह ने दीन इस्लाम ने नहीं रोका है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ बस आपसे माजरत भी करूँगा और फिर आइंदा और भी कई महफिल प्रोग्राम होंगे, शायद उसमें और भी कुछ बातें जहन में आ जाएं तो वहाँ भी पेश करूँगा। मैं मौलाना मोहम्मद अहमद मोटाला साहब हैं, मोहम्मद अली, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शरीक किया, और हमारे अहबाब हमारे कासिम मामू साहब और हमारे मोहम्मद साहब, ये अपने मोहम्मद उमर साहब, ये बेचारे मुझे लिए लिए फिर रहे हैं प्रोग्रामों में। अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ, अब आप सब दुआ कर लें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारी ख़वातीन को इस्लाम की सरबलंदी के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़वातीन की गोदों में जो बच्चे पल रहे हैं और जो उनकी ज़ेर तरबियत हैं, अल्लाह ताला इन बच्चों को इस्लाम का सिपाही बना, इस्लाम की का मुहाफिज बना, इस्लाम का अलमबरदार बना। अल्लाह ताला शरीयत के मुताबिक हमारी तमाम ख्वातीन को खुद भी अमल की तौफीक अता फरमा और उन्हें अपने बच्चों को भी शरीयत के मुताबिक गोया चलने की तौफीक अता फरमा। दुआ करें इस मदरसे के लिए, यकीनन बड़ा काम मुझे नज़र आ रहा है, और ये हमारे दो साथी बैठे हैं, इनकी बीवियां, इनके घर की ख्वातीन भी इसमें शामिल हैं। ऐ अल्लाह इस जामिया ज़ैनब के लिए जो जो ख्वातीन अपनी खिदमात पेश कर रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान की नेमतें अता फरमा, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमा। और ऐ अल्लाह ज़ैम्बिया में ये मदरसा भी है और भी दीनी मदारिस हैं और इस्लामिक सेंटर भी हैं और बड़े बड़े मरकजों पर भी इस्लाम की तालीम बच्चियों को भी दी जा रही है। अल्लाह ताला ज़ैम्बिया की इन बच्चियों को और यहाँ के ये जो मकामी लोगों की बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला इन सबको इस्लाम की सरबलंदी के लिए कबूल फरमा और इनको एक नमूना बनाकर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला हमारे सामने पेश कर दे, ताकि दीगर मुल्कों में भी ख्वातीन को गैरत भी आए और उन्हें एहसास भी हो जाए। अल्लाह ताला ज़ैम्बिया के मुसलमानों की इन खिदमात को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या